एवरी वन माई नेम सिंह यू आर वाचिंग सिक्स प्रोग्राम और ये वीडियो इस पे इसका पार्ट है जिसका नाम है फुल सेब डेवलपमेंट कोर्स ट्वेंटी ट्वेंटी वन और अभी तक देखो तुम एटीन वीडियोज़ हो चुके हैं नाइनटीन वीडियो है और ये सी एस एस की लास्ट वीडियो होगी इसके बाद हम जावा स्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे सो so, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सूडो एलिमेंट्स और को सूडो क्लासेज सो so, बिना टाइम इसके सीधा स्टार्ट करते हैं सो so, एक एस टी एम एल की फाइल बना लिए एक सी एस एस फाइल बना लिए एंड यहाँ पर का यूज़ करके प्लेट कोड आ गया सारा अभी मैं पी टैग लगाने वाला हूँ लॉरम ट्वेल्व पी टैग लगा दिया मैं दो ला तीन टैग लगा देता हूँ तीन कॉपी कर दिए लाइफ सर्वर ऑन है ये तीन पी टैग आ गए सी एस एफ लिंक अब ये देखो अगर मैंने पी टैग को करा कलर एक्वा सो नो सरप्राइज़ एक्वा हो जाएगा बट अगर मुझे सिर्फ करना हो फर्स्ट लाइन को ही तो हमारे पास है फर्स्ट लाइन या फर्स्ट लेटर सो so, अगर मैं फर्स्ट लाइन कर देता हूँ तो फर्स्ट लाइन करने से होगा क्या सिर्फ पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन होगी एक्वा कलर में बाकी सारी डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी रहेगी सो so, अब मैं दिखाऊँ तो तीन ऐप भी ऐसा क्यों बिकॉज ऊपर वाला एक पैराग्राफ टैग है जिसकी फर्स्ट लाइन ये है नीचे वाला एक पैराग्राफ टैग है जिसकी फर्स्ट लाइन ये है तो अभी भी ये अपने अपने पैराग्राफ टैग की फर्स्ट लाइन ही है हाँ अगर मैं इसके अंदर बढ़ा के कर दूँ लोरम लोरम वन ट्वेंटी बहुत सारे आ गए अब मैं दिखाऊंगा तो देखो फर्स्ट वाले पैराग्राफ में सिर्फ फर्स्ट लाइन है जो कि एक हुआ हुई है और बाकी सब लाइन ऐसे ही हैं तो ये तो प्र स्ट्रेट फॉरवर्ड था बाकी सारी लाइन अभी भी एक ही लाइन है पैराफ्ट एक की इसलिए उनका कलर वही है ऐसे ही फर्स्ट लेटर है तो हर एक का सिर्फ लेटर ही हुआ है अभी एक चीज़ देखो अगर मैं पैराग्राफ की बजाय डिव ले उसके अंदर सेम लोअरम लिख दूं, तो ये डिव में इस पर नहीं हो रहा ये लेटर एंड सेम गोज़ फॉर लाइन डिप को छोड़ के बाकी सब की हो गई बिकॉज ये प्रॉपर्टी जो ये लग रहा है सूटो सेलेक्टर ये लग ही पैराग्राफ टैग पर रहा है लेकिन इसको टहक के अगर मैं ऐसे कर दूँ तो हर एक चीज़ पर लग रहा है चाहे वो डिप पैराग्राफ हेडिंग कुछ भी हो सो इसलिए सब की हो गई अभी पैराग्राफ पे लाते हैं वापस और मैं सारे एक करके नहीं बताने वाला बिकॉज उससे वीडियो बहुत लंबी रहेगी और टू बी ओनर्स वो आधी से ज़्यादा चाहिए काम की भी नहीं है तो अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पे आते हैं हम जो कि है आफ्टर और बिफोर सो बिफोर इमेजिन करो कि मुझे हर एक पैराग्राफ टैग के पहले एक लाइन देनी है सो एक्जैक्टली यही करता है सो so, अगर मैं कर दूँ कॉन्टेंट नाइस सेव सो देखो नाइस nice आ गया हर एक पैराग्राफ टैग के ये वाला डिफ्ट इसमें नहीं आया इनमें आया नाइस और ये बाई डिफ़ॉल्ट इसकी डिस्प्ले इन लाइन होती है इसलिए इसी में आ गया लाइन में सो बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड कलर है और अब ये देखो दिख रहा है विथ ये हाइट एट हंड्रेड वी एच डिस्प्ले ब्लॉक अभी डिस्प्ले ब्लॉक करते देखो क्या होगा ये पूरा उसने हंड्रेड वी डब्ल्यू का ले लिया सो so, इनकी हाइट ऑफिट थी टेम्प्रेरी हटा रहा हूँ मैं एंड उसके बाद तुम अभी भी देख सकते हो ब्लॉक करने से इसने पूरी पूरी रो ले लिया है और ऊपर वाली लाइन में आ गया है सो so, बेसिकली बाकी सारी वैसी प्रॉपर्टी काम कर रही हैं जैसे कि करती हैं सी एस एस की सो so, इसके अलावा अगर मैं इसकी की कर देता हूँ पोजिशन एब्सोल्यूट टॉप से ज़ीरो तो वो टॉप में पहुँच चुका है और पहले तो ये बाई डिफ़ॉल्ट मार्जिन जो होता है वो हटाते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर से ठीक है एकदम ऊपर अब यहाँ एक चीज़ देखो कि अगर मैं आप देता हूँ वेट हंड्रेड वी डब्ल्यू हाइट हंड्रेड बी एच अब मैं दिखाता हूँ सो ये देखो इसने पूरा पेज कवर कर लिया और कुछ दिख नहीं रहा इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ जी इंडेक्स माइनस वन ताकि ये पीछे हो जाए थोड़ा पीछे मतलब जेड एक्सिस पे पीछे हो जाए थोड़ा फार हो जाए थोड़ा दूर तो इसलिए जो इसके पीछे दबा हुआ कॉन्टेंट था वो ऊपर आ चुका है और अब मैं इसकी ओपेसिटी कम करूँगा और ऊपर वाला कॉन्टेंट हमें क्लियरली दिखेगा सो so ये ज़्यादातर जब यूज होता है जब हमें बैकग्राउंड में कोई इमेज लगानी हो बिफोर तब यूज़ होता है ज़्यादातर सो अगर मैं कॉन्टेंट ही हटा देता हूँ सो so कॉन्टेंट हटाते ही पूरा चला गया सो so इसलिए कॉन्टेंट को अगर जब भी तुम्हें खाली रखना हो तो ऐसे खाली रखो फिर आ गया उसके बाद अगर बैकग्राउंड कलर इज ये नहीं देना बैकग्राउंड इमेज देनी को भी तो डेफिनेटली इमेज यूज़ कर सकते हो और ओपेसिटी ऐसे कम होगी अभी ओपेसिटी हमने इसमें कम क्यों किया वरना करने को तो बॉडी टैग को भी दे देते दे ही नहीं उसकी ओपेसिटी कम कर देते लेकिन उससे होता है उसके अंदर जो कॉन्टेंट है उसकी ओपेसिटी उसकी भी कम हो जाती बट अभी क्या हो रहा है अभी बैकग्राउंड जो है ये वाला बिफोर वाला सिर्फ उसी की ओपेसिटी कम हुई है अंदर का जो भी कॉन्टेंट था वो वैसे का वैसे ही है एंड सेम गोज फॉर आफ्टर आफ्टर में भी यही सभी प्रॉपर्टीज दे सकते हैं हम सो कॉन्टेंट में अगर मैं देता हूँ ना इस आफ्टर आफ्टर की स्पेलिंग नाइस आफ्टर अरे मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो देखो जैसे बिफोर में पहले आया था आफ्टर में एकदम बाद में आया और सेम है ये भी डिफॉल्ट इसकी भी इन लाइन है सो so, इन्हें हम यूज़ कर सकता अपने अकॉर्डिंगली सो so, ये जो दो थे बिफोर और आफ्टर ये थे सूडा एलिमेंट्स दो तीन एलिमेंट्स और हैं लेकिन वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है एक इम्पॉर्टेंट और है वो और बता देता हूँ मैं उसके लिए एक चीज़ यूज़ करनी है ये थोड़ा छोटा मैं सारे पीट टैग हटा रहा हूँ इनपुट फाइल फाइल टाइप का लिया है इनपुट टैग, सो ये आ रहा अभी मैं इनपुट को सेट करके इसका कर देता हूँ बॉर्डर एक पिक्सल का सॉलिड रेड सो तुम्हें दिख रहा है ये रहा अब मुझे बताओ इसे स्टाइल कैसे करोगे क्योंकि इससे फाइल चूज करते हैं इसे इसे स्टाइल कैसे करोगे सो so, उसके लिए हमारे पास है इनपुट इनपुट वेबकिट फाइल अपलोडर अब इसकी मस्त चीज क्या है अगर मैं इसको देता हूँ बैकग्राउंड रेड सेव ये देखो ये बटन जो है इसकी बात हो रही है हमने ये जो सेलेक्ट किया हुआ है सेलेक्टर करके फाइल अपलोडर बटन उसे सेलेक्ट कर लिया उसे हम कुछ भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से सो तो लेट्स अगर मैं फुल ब्लैक करके पैडिंग दे दूँ दो आर ई एम कर दूँ नन बॉर्डर रेडियस कर देता हूँ ट्वेंटी पिक्सल सो so, ये देखो कैसा हो गया एंड ऑफ कोर्स अंदर दिखे इसलिए अंदर का कलर वाइट हमने बटन को कस्टमाइज कर दिया विथ कर देंगे हंड्रेड परसेंट तो अभी इस, इसने फुल भर लिया एकदम स्पेस फिफ्टी पिक्सल अभी देखो कैसा मस्त बना दिया बटन अब वैसे हम इसके बॉर्डर को भी हटा सकते हैं अभी देखो कितना क्लासिक बटन बन गया पहले का वो बेकार सा बटन था राइट सो दैट्स हाउ वी एडिड इनपुट फाइल बटन विद द हेल्प ऑफ वेबकिट फाइल अपलोड बटन ठीक है इसके अलावा एक और चीज़ ये तो मैंडेटरी है तुम करोगे करोगे यूज किसी भी फॉर्म में जो कि है टैक्स फील्ड नॉर्मल सा टैक्स फील्ड सो इसमें तुमने देखा होगा एक होता प्लेस होल्डर लाइक एंटर यो नेम इससे होगा क्या ये दिख रहा होगा एंटर योर नेम सो अब मैं क्या कर दूंगा इसमें मान लो मैंने फॉन्ट में दे दिया बोल्ड 1.5 पॉइंट साइज़ और फॉन्ट फैमिली है सो विदाउट आउट इसमें जो भी टाइप करूँगा वैसे ही आएगी लाइक like, अभिषेक सिंह एकदम वैसे ही आ रहा है एंड डेफिनेटली मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ लेथ से रेड राइट सो रेड आ रहा है बट वाट इफ मैं इसे उड़ा देता हूँ एकदम एम करने वाला हूँ लेकिन ये जो प्लेस होल्डर है तो भी वैसे ही आ रहा है ग्रे कलर का सो so, उसके लिए हमारे पास एक चीज है इनपुट प्लेस होल्डर ये भी एक शोडो सेलेक्टर है अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ से कलर मैं कर देता हूँ ग्रीन सो इससे होगा क्या जब तक प्लेस होल्डर है वो ग्रीन कलर का होगा टाइप करते ही जो भी मैं टाइप मैंने दे रखी है प्रॉपर्टीज वो राइट सो right. so, ऐसे काम करता है प्लेस होल्डर एंड डेफिनेटली इसको भी हम दे सकते हैं जैसे हम वन पॉइंट फाइव आर एम आर ई एम है यहाँ पर मैंने टू आर ई एम दिया है अभी ये बाइडी फोल्ड देखो बढ़ा रहा है प्लेस होल्डर पर जैसे टाइप करूंगा छोटा आएगा सो सूडो एलिमेंट्स इतने इनफ अभी कुछ सूडो क्लासेस देख लेते हैं जो कि तुम एकदम से देखोगे तो याद नहीं रख सकते क्योंकि एक तो वो काफ़ी इजी है और इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है बट तब भी कुछ देख लेते हैं सो so, मैं एंकर टैग लगाता हूँ यहाँ पे अभी मैंने चार एंकर टैग लगा दिए हैं सो ये देखो कैसे आ रहे हैं एंड अगर मैं इसका कलर कर देता हूँ बाई डिफ़ॉल्ट ब्लैक ऑब्वियसली ब्लू हो गया होगा पर्पलिश थोड़ा क्योंकि लिंक का कलर यही होता है एस में सो so, मैंने ब्लैक किया अभी ब्लैक हो गया टैग डेकोरेशन नन सो so, ऐसा दिख रहा है और थोड़ा मार्जिन ऐड कर दिया राइट right. और फिर से सेम फोन दे दिया मैंने राइट right. नाउ अब मैं क्या करने वाला हूँ मैं एक क्लास सोडो क्लास यूज करूँगा हॉवर ये प्रोबेबली तो मैं पता हुआ अभी तक तो बेसिकली जैसे कोई इस पर हॉवर करेगा तो कलर ही हो जाएगा इसका सो so, अभी तक ये देख चुके थे हम बट अगर मैं इसे होल्ड कर रखूँ तब तब अब तो ये, ये कलर इसका अब भी सो so, अगर इसे चेंज करना हो सो so, उसके लिए हमारे पास है एक्टिव इसमें अगर मैं कलर कर देता हूँ लेट्स से ग्रीन ग्रीन कलर अभी होगा करने पे ऑरेंज या येलोइ जो भी है इसके बाद होल्ड जब तो मैं करूँगा मतलब ये एक्टिव एक्टिव स्टेट में है इस वक्त इसका कलर ग्रीन रहेगा देखो अभी इस पर क्लिक करूँगा उसका रीलोड हो चुका है अभी एक मस्त सेलेक्टर बताने वाला हूँ जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है जैसे कि सिर्फ तुम्हें कॉन्टैक्ट वाले का इसका बदलना है कुछ तो अब कैसे करोगे इसे कोई क्लास दोगे फिर सेलेक्ट करोगे इसके बजाय हमारे पास है ए फर्स्ट चाइल्ड अब मैं फर्स्ट चाइल्ड करूंगा और इसको प्रॉपर्टीज दूंगा कुछ भी लेट्स से कलर क्रीमसन सेव सो सिर्फ फर्स्ट वाले का हो गया क्रिमसन ठीक है अब यहाँ एक देखने वाली चीज़ है अगर मैं इसके पहले डिवाइड कर देता हूँ इस एंकर से पहले डिव देखो मैंने एंकर ऐड नहीं किया अगर मैं एंकर ऐड करता फिर तो ऑब्वियसली फर्स्ट वाला जो है ये एंकर होता लेक्स इसका कर देता तो हूँ होम टू होम टू ये फर्स्ट होता तो होम टू का कलर चेंज होता बट मैं तो कह ही नहीं रहा कि मैंने एंकर ऐड किया मैं तो डिवाइड कर रहा हूँ इसमें भी होम टू नाम है इसका होम टू अब बताओ यहाँ पर लिखा हुआ है एंकर का फर्स्ट चाइल्ड सो इसका कलर चेंज होगा कि नहीं देखो नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ अगर मैं ये हटा दूँ तो इसका मतलब है जो भी फर्स्ट चाइल्ड है हर एक एलिमेंट में उसका कलर ही हो रहा है अब उसका हो गया क्योंकि ये फर्स्ट चाइल्ड है लेकिन अब मैंने ये कर दिया कि अगर वो एंकर हो और फर्स्ट चाइल्ड हो तब कलर चेंज तो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये फर्स्ट चाइल्ड है ही नहीं फर्स्ट चाइल्ड तो ये है ना बॉडी का फर्स्ट चाइल्ड ये है ना कि ये ये तो सेकेंड चाइल्ड है सो उसके लिए हमारे पास एक और चीज़ है एंथ चाइल्ड इसमें हम स्पेसिफाई कर सकते हैं अभी वन का मतलब तो वही हो गया बेसिकली फर्स्ट चाइल्ड सीधा वो यूज़ करो सेकेंड वाले को करना है ना मैं इसको तो हमने ये दे दिया तो सोचिए सेकेंड वाला हो गया थर्ड वाले को करना है तो थर्ड पास कर दिया थर्ड वाला हो गया फर्स्ट चाइल्ड सेकेंड चाइल्ड थर्ड चाइल्ड राइट तो ये एंथ चाइल्ड इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा था इसके अलावा एक चीज़ है फर्स्ट ऑफ टाइप इसका क्या मतलब है इसे सेव करके दिखाता हूँ पहले ये देखो इसमें होगा ये जिन्हें भी थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन था फर्स्ट चाइल्ड में इससे क्लियर हो जाएगा फर्स्ट चाइल्ड में क्या था कि बॉडी का जो भी फर्स्ट चाइल्ड था जो कि ये था वो हो गया था उस पर प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हुई थी बट जब मैंने कर दिया फर्स्ट ऑफ टाइप तो ये एंकर पर लगाया ना एंकर का जो भी फर्स्ट टाइप है एंकर का ऑब्वियसली ये वाला फर्स्ट चाइल्ड है उस प्रॉपर्टीज मैच हो गई फोन साइज बढ़ा के मैं थ्री रैम कर देता हूँ सो सिर्फ यही अप्लाई हो रहा है सो आई थिंक इतने बहुत हैं क्योंकि जो सूडो क्लासेज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं बहुत ज़्यादा एक दिन में तो तुम पढ़ ही नहीं सकते और जितना पढ़ोगे पीछे का भूलते जाओगे सो ट्राई भी मत करना है रटने की जैसे जैसे जरूरत पड़ती है देख सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे सो so, yeah. या दिस इज इट अभी सी एस एस खत्म हो गया आगे जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट कर सकते हैं हम सो थैंक्स फॉर वॉचिंग